अवैध रूप से जानवरों का मांस ले जा रहे ट्रक को बल्लारपुर पुलिस ने हिरासत में लेकर 18 लाख रुपए का माल जब्त कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बल्लारपुर पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर अवैध रूप से जानवरों का मांस लेकर जा रहे ट्रक को पकड़ा। इस मामले में पुलिस ने 18 लाख रुपए का माल जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बल्लारपुर पुलिस को ट्रक के माध्यम से जानवर का मांस अवैध रूप से परिवहन होने की गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर ट्रक को रोक कर जांच की तो प्लास्टिक कवर में जानवरों का मांस पाया गया। इस प्रकरण में पुलिस ने नागपुर जिले के कामठी निवासी मोहम्मद इमरान मोहम्मद इरशाद को हिरासत में लिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक और जानवरों का मांस ऐसा कुल 18 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मोमका सुदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, उप विभागीय पुलिस अधिकारी जाधव के मार्गदर्शन में बल्लारपुर के पुलिस निरीक्षक आसिफ रजा शेख के नेतृत्व में गजानन डाइफोड़े, रणविजय ठाकुर, कविता वशिष्ठ रंगारी, शेखर माथनकर, लखन जाधव, गणेश पुरड़कर, राहुल धुड़से आदि ने की है।